तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जैसे ही हम वीडियो डालते हैं इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। गाइस, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन 15,000 के अंडर में। तो चलिए इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे 5 फोन कौन कौन है जो कि आपको 15,000 के रुपये के अंडर में आपको परचेस करना है और बजट क्या क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, पहला फोन हमारा आ रहा है वीवो U20। वो आ रहा है स्नैपड्रैगन डिस्प्ले के साथ 6 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज, 16 MP कैमरा प्लस 8 MP प्लस 2, मतलब दिल खुश कर दिया एकदम। और 18 W फास्ट चार्जिंग, मतलब सोच रहे हो गाइस कि इतना फास्ट चार्जिंग, 18 W फास्ट चार्जिंग, मतलब सोच रहे हो ना आप लोग कितना जल्दी चार्ज हो जाएगा। और जाते हैं अभी सेकंड एंट्री फोन के ऊपर। सेकंड फोन है रेडमी नोट 8, जो कि 6.3 इंच स्क्रीन, मतलब गेमिंग के लिए मस्त है। और 48 MP रियर क्वाड कैमरा, दो डिजाइन कैमरा एक एक साथ, मतलब गाइस आप लोग सोच ही सकते हो। 128 GB स्नैपड्रैगन डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास 5। आप लोग को गोरिल्ला ग्लास कहाँ मिलता है यार, ऐसे ही दुकान में नहीं मिलता है। गोरिल्ला ग्लास 5 एक बढ़िया सा गोरिल्ला ग्लास मिलता है आपको अगर आप शाओमी का रेडमी नोट 8 परचेस करते हो तो। सो गाइस, चाहते हैं थर्ड फोन की तरफ। थर्ड फोन है हमारा रियलमी नाजरो, शायद आप लोग जानते हैं कि अभी लॉन्च हुआ है। 18 W क्विक चार्जिंग, 48 कैमरा क्वाड कैमरा, 16 MP सेल्फी ब्यूटी कैमरा, 5000 बैटरी, मीडिया टेक प्रोसेसर, गोरिल्ला ग्लास 3, 4 GB रैम, अच्छा फोन है। और चाहते हैं फोर्थ की तरफ से सैमसंग M21, 48 MP कैमरा, 8 MP प्लस 5 रियर कैमरा, 4x जूम, ऑक्टा कोर, सुपर अमोलेड टेक्नोलॉजी, मतलब सैमसंग इस तरह के अगर आप लोग सैमसंग लवर हो तो एक फ़ोन आपके लिए बहुत ही बेस्ट बजट है, इसको परचेस कर सकते हो। फिफ्थ नंबर पर आता है रेडमी नोट 9, रेडमी लवर के लिए। 48 कैमरा प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 मेगापिक्सल कैमरा, गोरिल्ला ग्लास 4 के साथ स्नैपड्रैगन 16 MP फ्रंट कैमरा। आज के वीडियो पे हम 5 फोन तो आप लोगों को बता दिया और आप लोग क्या मर्जी, आप लोग जो खरीद सकते हो। और लास्ट में तो मैं बताया आप लोगों को रेडमी नोट 9 के बारे में। पर गाइस, इस सारे में मुझे अच्छा लगा रियलमी नाजरो, बहुत ही अच्छा।